तो ये देखिए हमारा दाल का पकौड़ा बनके तैयार है फ्रेंड्स। ये देखिए ऊपर से बहुत ही क्रंची है और अंदर से सॉफ्ट है, तो इसका टेक्सचर देख सकते हैं। तो ये देखिए आप भी इस प्रकार से बना सकते हैं, बिल्कुल बाजार वाली स्वाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दाल के पकोड़े, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दाल के पकोड़े बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 150 ग्राम के आसपास चना का दाल लिया है और उसे लगभग 3 से 4 घंटे पानी में भिगोने के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद हम इसे दरदरा कूट पीस लेंगे मिक्सी जार में, या फिर आप सिलवट्टे पे पीस सकते हैं इसे। तो उसमें हम एक मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ, और 3 से 4 हरी मिर्च, और उसके बाद हम आधी चम्मच से कम धनिया पाउडर और उसी मात्रा में हल्दी भी डालेंगे, और अजवाइन डालेंगे हम 1/4 चम्मच के आसपास। और कलौंजी जिसे कि मंगरेला बोलते हैं, तो इसे भी हम 1/4 चम्मच के आसपास लेंगे, और नमक हम आवश्यकता अनुसार लेंगे, स्वाद कम ज़्यादा जैसा खाते हैं। और अब हम इन सब को अच्छे से मिलाएंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि इसे हम दरदरा कूटेंगे, इसे ज़्यादा हम पतला इसे इसका पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाएंगे, थोड़ा दरदरा रखेंगे। तो अब हम इसमें यहाँ पे खड़ा जीरा ऐड करेंगे, आधी चम्मच से थोड़ी सी कम। आपको ज़्यादा जीरा पसंद हो तो आप थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पे मेन जो है हम लहसुन अदरक का पेस्ट, ये लगभग आधी चम्मच के आसपास हमने यहाँ पर डाला है। और इन सबको डालने के बाद हम अच्छे से इसे मिला लेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमारा इस प्रकार का डो तैयार हुआ है। तो अब हम इसे फ्राई पैन में बनाएंगे, आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे फ्राई पैन में बना रहे हैं, नॉन स्टिक फ्राई पैन में। तो कुछ इस प्रकार से डो को लोई बना के हल्का सा प्रेस करके डालेंगे। ये देखिए आप चाहे तो दोनों हथेलियों के सहारे इसे प्रेस करके भी डाल सकते हैं। हमने इस प्रकार का शेप रखा है, आप चाहे तो इसे गोल गोल शेप भी रख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो हमने इस प्रकार का शेप इसे रखा है, तो आपको शेप जैसा पसंद हो आप उस प्रकार से बना सकते हैं अपनी इच्छा से। तो सारे दाल पकौड़े के साइज को जैसा आपको पसंद है उस प्रकार से आप बनाएं। और इस प्रकार से हमने सारे दाल पकौड़ों को हमने डाल दिया है, और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा ये लगभग फाइन पक चुका है। तो इसे हम अच्छे से बारी बारी से पलटी करके पकाएंगे इसे। तो ये देखिए हमारा फाइनली पक चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। आप इस प्रकार से इस दाल के पकौड़े को बनाएंगे फ्रेंड्स, तो बिल्कुल बाजार वाली स्वाद आएगी। तो बाजार वाली स्वाद आप अपने अब घर में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा से ये फ्राई हुआ है। तो दूसरे बैच को भी हम इसी प्रकार से निकाल लेंगे। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म दाल के पकौड़े बनके तैयार हैं। आपको देखने में बिल्कुल इसका टेक्सचर बिल्कुल रफली लग रहा है ना, बिल्कुल रग्ड टाइप का। तो इसे हम दरदरा कूटेंगे तभी इस प्रकार से ये बनेगा। ये देखिए इसका टेक्सचर भी देख लीजिए। तो मेन इसका दरदरा ऐसे कूटेंगे तभी इस प्रकार का ये दिखेगा।
और ऊपर से ये काफ़ी क्रंची होता है और अंदर से तो सॉफ्ट होगा। तो देखिए एक दाल पकौड़े को हमने तोड़ के देखा है, ये देखिए है ना बिल्कुल स्वादिष्ट और लाजवाब। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।